बिजनौर में किसानों ने निकाली विजय सम्मान यात्रा। भारी संख्या में बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचे किसान और धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम को दिया ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पहुंचे किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन और ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान सम्मान विजय यात्रा निकाली और बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कहा। 21-22 का जनपद बिजनौर की चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाए, बिजली की आपूर्ति दिन में कराई जाए, आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाए, कोऑपरेटिव समिति सीना से संबंधित नई सरकारी बैंक में हुए घोटाले में जमा किसानों की रकम दिलाई जाए, जंगली जानवरों से जानमाल की सुरक्षा की जाए इत्यादि मांगों को लेकर एक ज्ञापन एडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। देखो, ये धरना नहीं, आज अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन देंगे यहाँ जिलाधिकारी महोदय को। और एक ये किसान सम्मान विजय यात्रा ये चली थी गढ़ी चौक से आज कलेक्ट्रेट तक, क्यों किसान जिस तरीके से एक जाल में फंसा था, एक जाल बुनने वाला था और एक जाल लगाने वाला था, उसकी समझ अमत थी कि वो दिल्ली भी फंसने जा रही है और दिल्ली उस जाल में फंस चुकी थी। ये यहाँ की जनता, लोकतंत्र के यही माने होते हैं कि जब जनता जागृत होती, जनता सजग हो गई और दिल्ली को धर्म ज्ञान कराया, दिल्ली को धर्म ज्ञान हो गया। जो 3 कानून लेकर आई थी, उसमें नौजवान, उसमें आवाम, किसान, भारत एक जाल में फंसने जा रहा था। वो एक किसान की लड़ाई नहीं थी, वो हर वर्ग की लड़ाई थी। जो धर्म ज्ञान आया, यही चीज़ थी। समय लगा हमें, बहुत बड़ी क्षति हमें हुई, हमारे 20 सन एक लोग चले गए,